13 जून 1997 यानी कि 1997 को इंडिया की सबसे बड़ी वॉर फिल्म रिलीज हुई थी बॉर्डर, जिसने फैंस का दिल ही नहीं जीता था बल्कि एक एपिक वॉर फिल्म भी दी थी। फिल्म देखने के बाद हर किसी को मोटिवेशन सा आ जाता है, देशभक्ति जाग जाती है और हर कोई पाकिस्तान को गाली देते हुए इंडियन आर्मी के लिए सल्यूट ठोकता है। भाई उस युद्ध में, उस वॉर में हमारे इंडियन आर्मी के जवानों ने जो अपना बलिदान दिया था उनकी वजह से आज हम सब सुरक्षित हैं। अब 27 साल बाद यानी कि 13 जून 2024 को अनाउंस हो गई है बॉर्डर 2। सनी देओल एक बार फिर से आ रहे हैं बॉर्डर 2 में और गदर 2 में धमाल मचाने के बाद अब वो बॉर्डर 2 में भी धमाका करने को तैयार हैं। अनाउंसमेंट इस फिल्म की हो चुकी है। आपको बता दूं कि इसे एक बार फिर से डायरेक्ट करेंगे जेपी दत्ता और इसे प्रोड्यूस करने वाले हैं एज को प्रोड्यूसर टी सीरीज के ऑनर भूषण कुमार। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि अब इसकी अनाउंसमेंट के साथ मूवी की स्टोरी भी रिवील हो चुकी है। स्टोरी क्या होने वाली है? 27 साल पहले बॉर्डर आई थी जिसने इंडो पाक वॉर को दिखाया था, लेकिन इस बार इस स्टोरी में क्या होगा? क्या 27 साल बाद की कहानी होगी? क्या 30 साल बाद कुछ होने वाला है? बिल्कुल नहीं। 1997 में जो बॉर्डर फिल्म आई थी वो 1971 इंडो पाक वॉर पर बेस्ड है, लेकिन उस टाइम पर सिर्फ इंडियन आर्मी ही नहीं, यानी कि सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि आकाश पानी पर भी वॉर लड़ी गई थी। इंडियन आर्मी द्वारा भी, इंडियन नेवी द्वारा भी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी। यानी कि इस बार जो स्टोरी होने वाली है वो रिवील हो गई है और ये होने वाली है इंडियन एयरफोर्स की। इस बार सनी देओल रिटर्न कर रहे हैं बॉर्डर 2 में एक एयरफोर्स के जवान के तौर पर और इस बार जो है हमें एयरफोर्स के जवान पाकिस्तान से लड़ते नजर आएंगे। कास्ट की भी बात कर लेते हैं। अभी सनी देओल कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन एक और लीड एक्टर हैं जो इस फिल्म में एज लीड देखने को मिलेंगे, वो हैं आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना सेकेंड लीड के लिए कन्फर्म किए जा चुके हैं। बहुत दिनों से रूमर्स ये चल रहे हैं कि आयुष्मान खुराना जो हैं वो होने वाले हैं सेकंड लीड। कब उनकी अनाउंसमेंट होगी ये तो नहीं पता, लेकिन अगर आप सोर्स की माने तो वो सेकंड लीड के लिए कंफर्म किए जा चुके हैं पहले ही। यानी कि ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान को इस बार बॉर्डर 2 में फिर से मात खानी पड़ेगी। 1971 में धरती हो, आकाश हो या पानी हो, तीनों ही रास्तों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, जिसमें से इंडियन आर्मी का जो एक कहानी है वो तो बताई जा चुकी है 27 साल पहले 1997 की बॉर्डर में। अब इंडियन एयर फोर्स की कहानी बताई जाएगी 2026 में ऑलमोस्ट, क्योंकि ये फिल्म 26 को रिलीज़ होने वाली है, 26 जनवरी 2026 में। बहुत टाइम है, तब तक क्या पता इंडिया और भी ज़्यादा बेहतर वॉर फिल्म दिखा पाए, बॉलीवुड और भी बड़ी फिल्म दिखा पाए, बिगेस्ट फिल्म दिखा पाए। तो इस फिल्म को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट के बाद आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कीजिए।